साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन के S6 डिब्बे में आग लगा दी गई, जिनमें 59 लोगों की मौत हो गई। गोधरा कांड के बाद पूरे गुजरात में दंगे भड़क उठे। इन दंगों में 1000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। इन दंगों से राज्यों में हालात इस कदर बिगड़ गए थे कि स्थिति काबू में करने के लिए तीसरे दिन सेना उतारनी पड़ी थी। भारत एट 9 देख रहे हैं आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। आज ही के दिन 2002 में गुजरात के गोधरा स्टेशन पर एक दुखद घटना हुई थी। साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन के S6 डिब्बे में आग लगा दी गई, जिनमें 59 लोगों की मौत हो गई। इस घटना में भारतीय इतिहास को बदल कर रख दिया। अहमदाबाद जाने के लिए साबरमती एक्सप्रेस गोधरा स्टेशन से चली ही थी कि किसी ने चेन खींचकर गाड़ी रोक ली और फिर पथराव के बाद ट्रेन के एक डिब्बे में आग लगा दी गई। ट्रेन में अयोध्या से लौट रहे तीर्थयात्री सवार थे। गोधरा कांड के बाद पूरे गुजरात में दंगे भड़क उठे। इन दंगों में 1000 से ज्यादा लोग मारे गए थे, जिनमें 790 मुसलमान और 254 हिंदू थे। गोधरा कांड के एक दिन बाद 28 फरवरी को अहमदाबाद की गुलबर्ग हाउसिंग सोसाइटी में बेकाबू भीड़ ने 70 लोगों की जान ले ली थी। मरने वालों में उसी सोसाइटी में रहने वाले कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी भी शामिल थे। इन दंगों से राज्यों में हालात इस कदर बिगड़ गए थे कि स्थिति काबू में करने के लिए तीसरे दिन सेना उतारनी पड़ी थी। गुजरात में इस घटना के समय नरेंद्र मोदी राज्य के मुख्यमंत्री थे। मार्च 2002 में उन्होंने गोधरा कांड की जांच के लिए नानावटी शाह आयोग बनाया। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज KG शाह और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज GT नानावटी इसके सदस्य बने। आयोग ने अपनी रिपोर्ट का पहला हिस्सा सितंबर 2008 को पेश किया। इसमें गोधरा कांड को सोची समझी साजिश बताया गया। साथ ही नरेंद्र मोदी, उनके मंत्रियों और वरिष्ठ अफसरों को क्लीन चिट दे दी गई थी। 2009 में जस्टिस KG शाह का निधन हो गया, जिसके बाद गुजरात हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस अक्षय मेहता इसके सदस्य बने और तब आयोग का नाम नानावटी मेहता आयोग हो गया। आयोग ने दिसंबर 2019 में अपनी रिपोर्ट का दूसरा हिस्सा पेश किया। इसमें भी रिपोर्ट के पहले हिस्से में कही गई बात दोहराई गई। गोधरा कांड के बाद चले मुकदमों में करीब 9 साल बाद 31 लोगों को दोषी ठहराया गया था। 2011 में SIT कोर्ट ने 11 दोषियों को फांसी और 20 को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। बाद में अक्टूबर 2017 में गुजरात हाई कोर्ट ने 11 दोषियों की फांसी की सजा को भी उम्र कैद में बदल दिया था। देश दुनिया के इतिहास में 27 फरवरी की महत्वपूर्ण घटनाएं। 2010 8वीं कॉमनवेल्थ शूटिंग प्रतियोगिता में भारत ने 35 गोल्ड, 25 सिल्वर और 14 ब्रॉन्ज समेत 74 मेडल जीतकर पहला स्थान हासिल किया था। 2010 में राष्ट्रीय स्वसेवक संघ के बड़े नेता और भारत रत्न नानाजी देशमुख का निधन हुआ। 2004 में फिलीपींस में एक आतंकवादी ने एक नाव को बम से उड़ा दिया, जिसमें 116 लोगों की मौत हो गई थी। 1999 नाइजीरिया में 15 साल में पहली बार असैनिक शासक चुनने के लिए वोटिंग हुई। देश में 1989 से पूर्व सैन्य शासक अल्युगेशन ऑब्सोन्स्को ने सत्ता संभाली थी। 1956 लोकसभा के पहले अध्यक्ष GV मावलकर का निधन हुआ। 1951 अमेरिकी संविधान में 22वां संशोधन किया गया, जिसके बाद तय हुआ कि कोई भी व्यक्ति सिर्फ 2 कार्यकाल तक ही राष्ट्रपति बन सकता है। इससे पहले यहाँ ऐसी लिमिट नहीं थी। 1931 क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद ने इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में ब्रिटिश पुलिस से मुठभेड़ के दौरान खुद को गोली मार ली थी। उनका कहना था कि वो आजाद है और आजाद ही रहेंगे। वहीं अल्फ्रेड पार्क को चंद्रशेखर आजाद पार्क कहा जाता है। तो ये महत्वपूर्ण घटनाएं थी 27 फरवरी की, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण भारत के लिए था वो गोधरा कांड। अहमदाबाद की एक विशेष अदालत ने 2002 में नरोदा गांव नरसंहार के मामले में अभियुक्त बनाए गए 68 लोगों को बरी किया। इनके खिलाफ दंगा भड़काने, अवैध ढंग से भीड़ जुटाने और आपराधिक साजिश रचने जैसे आरोप लगाए गए थे। इन अभियुक्तों में सबसे बड़ा रामपुर मंत्री और BJP नेता माया कोडनानी का है, जिन्हें नरोदा पाटिया दंगे में भी दोषी पाया गया था। इस मामले में कुल 86 लोगों को अभियुक्त बनाया गया था, जिनमें से 17 लोगों की मौत हो चुकी है। नरोदा गांव का मामला उन 9 मामलों में से एक है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने विशेष जांच दल को जांच का आदेश दिया था। इस केस की सुनवाई 2009 में शुरू हुई थी और ये मामले में पहला फैसला था। अब चलिए बताते हैं कि नरोदा गांव में आखिर क्या हुआ था। दरअसल अहमदाबाद शहर के नरोदा गांव में 28 फरवरी की सुबह जो कुछ हुआ,
उसकी शुरुआत कुछ घंटे पहले गोधरा रेलवे स्टेशन पर खड़ी साबरमती एक्सप्रेस में आग लगाए जाने से हुई थी। 25 फरवरी 2002 के दिन उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले से साबरमती एक्सप्रेस अहमदाबाद पहुंचने के लिए निकली थी। इस ट्रेन में 2000 से ज्यादा कार सेवक सवार थे। 27 फरवरी 2002 के दिन ये ट्रेन 4 घंटे की देरी से गोधरा स्टेशन पहुंची। जांच की माने तो जब ये ट्रेन गोधरा स्टेशन से रवाना हुई तो आपातकालीन ट्रेन खींचकर ट्रेन रोक दी गई और अचानक से जमा हुई भीड़ ने ट्रेन पर पत्थर फेंके और कुछ कोचों में आग लगा दी। इसके बाद गुजरात के अलग अलग इलाकों में सांप्रदायिक हिंसा भड़की। इसमें सबसे ज्यादा हिंसा अहमदाबाद शहर के नरोदा गांव में हुई, जहां 11 मुसलमानों को जिंदा जला दिया गया था। कुछ खबरों के मुताबिक एक संकरी गली में सैकड़ों लोगों ने घुसकर संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया और लोगों को जिंदा जला दिया। इस मामले में अदालत का फैसला आने से पहले सरकारी वकील गौरांग व्यास ने बताया था कि इन अभियुक्तों ने अल्पसंख्यक समुदाय के धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाया, लूटपाट की और उनकी दुकानों में आग लगा दी। नरोदा पाटिया में आखिर क्या हुआ था? दरअसल नरोदा गांव से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर नरोदा पाटिया इलाके में हुई दंगों के मामलों में भी माया कोडनानी और बाबू बजरंगी को दोषी ठहराया गया था। इन दंगों में करीब करीब 100 लोगों की जान गई थी। इस हिंसा के गवाह रहे एक स्थानीय पुलिसकर्मी ने बताया कि उन्होंने नरोदा पाटिया में जो कुछ देखा उसे वो भूल नहीं सकते। वो कहते हैं कि मुझे आज भी वो दिन याद है। मेरी ड्यूटी नरोदा पाटिया के पास थी। उस दिन सुबह वहां शांति थी और गुजरात बंद का ऐलान किया गया था। हजारों लोगों की भीड़ दुकानें बंद करा रही थी। यूं तो सब कुछ शांत था, लेकिन भीड़ धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। 5000 से ज्यादा लोग सड़कों पर उतर आए थे, लेकिन अभी दंगे शुरू नहीं हुए थे। सड़कों पर नारेबाजी हो रही थी और भीड़ धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। 11 बजे से लेकर 1:30 बजे के बीच एक मुस्लिम शख्स 407 लेकर इस इलाके में निकला। एक गाड़ी थी, उस वक्त ये वहीं खड़े थे। तभी भीड़ ने शख्स की गाड़ी रोकने की कोशिश की तो शख्स ने भीड़ पर गाड़ी चढ़ा दी, जिसमें एक व्यक्ति गाड़ी के नीचे दब गया और हालात खराब हो गए। दोनों पक्षों के बीच पत्थरबाजी शुरू हो गई। इस मौके पर लोगों को संभालने के लिए पुलिसकर्मी काफी कम थे। पुलिस ने भीड़ काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले और फायरिंग भी की। तभी वहां ये बात फैल गई कि एक लड़के के हाथ पैर काट कर उसे ठेले पर डालकर सड़क पर छोड़ दिया गया है। इससे तनाव और ज्यादा भड़क गया। मकान और दुकान आग की लपटों में जल रहे थे। सभी पुलिस अधिकारी वहां थे और साथ ही साथ वहां पर बुरी तरह से लोग फंसे हुए थे। उनका कहना है कि उनके पास फोन आता है और कहा जाता है कि आप मुझे बचा लीजिए। मैं अन्य पुलिस अधिकारी लाचार थे, क्योंकि हम बाहर का ही दंगा काबू करने की कोशिश में लगे हुए थे। शाम होते होते नरोदा पटिया की गलियों में लोग घुस गए, जहां जली हुई लाशें पड़ी हुई थी। लाशें उठाने के लिए कोई भी नहीं था। उनका कहना है कि किसी तरह से लाशों को एम्बुलेंस में डाला गया। उन लाशों के बीच 8 साल के एक लड़के का हाथ नजर आया। उसकी कमीज पूरी तरह जली हुई थी। उसे बाहर निकालकर पानी पिलाया गया। उसका आधा चेहरा जला हुआ था। उसे तुरंत अस्पताल में पहुंचाया गया। वहां छिपे लोगों को निकालते निकालते करीब रात हो गई और राहत शिविर भेज दिया गया। रात में पंचनामा और लाशों की पहचान के बीच उलझन महसूस होती रही। बच्चे को किसे सौंपा गया ये याद नहीं है। उसका नाम यूनुस था, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आखिर इसमें जो नाम सामने आया था माया कोडनानी, वो कौन थी? बीजेपी नेता नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री रही माया कोडनानी और बजरंग दल के नेता बाबू बजरंगी को नरोदा पटियाला मामले में दोषी ठहराया गया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सदस्य रही माया कोडनानी पेशे से गायनेकोलॉजिस्ट थे, जिनकी क्लिनिक भी नरोदा इलाके में थी। साल 1998 में नरोदा विधानसभा का चुनाव जीतने वाली माया कोडनानी अपने क्षेत्र बीजेपी में काफी लोकप्रिय थी। इसके साथ ही उन्हें नरेंद्र मोदी का काफी करीबी नेता भी बताया जाता था। लेकिन नरोदा पटिया कांड में नाम आने के बाद उनकी राजनीतिक साख को काफी धक्का लगा। साल 2009 में उन्हें सुप्रीम कोर्ट की ओर से नियुक्त विशेष जांच दल ने पूछताछ के लिए समन किया। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। माया कोडनानी के खिलाफ दंगे, भीड़ का नेतृत्व करने, दंगा भड़काने और आपराधिक साजिश रचने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए। साल 2012 के 29 अगस्त को एक विशेष अदालत ने कोडनानी को नरोदा पाटिया दंगों में दोषी करार दिया। इस मामले में माया कोडनानी और बाबू बजरंगी को उम्र कैद की सजा दी गई। कोडनानी ने विशेष अदालत के इस फैसले को गुजरात हाईकोर्ट में चुनौती दी, जहां से उन्हें 2018 में राहत मिली। गुजरात हाईकोर्ट ने साल 2018 में माया कोडनानी को बरी कर दिया। वहीं बाबू बजरंगी की सजा को आजीवन कारावास से कम करके 21 साल कर दिया गया। इस फैसले के साथ ही माया कोडनानी नरोदा गांव मामले में भी बरी हो गई। अब बाबू बजरंगी कौन है? माया कोडनानी की तरह बाबू राजभाई पटेल उर्फ बाबू बजरंगी के खिलाफ भी हत्या की कोशिश, आपराधिक साजिश रचने, दंगा भड़काने जैसे आरोप थे। इसके साथ ही उन्हें नरोदा पटिया में हिंसा के लिए दोषी भी ठहराया गया था। खबरों की माने तो गुजरात के पाटीदार समुदाय से आने वाले बाबू राजाबाई पटेल को बाबू बजरंगी कहे जाने की वजह उनका एक लंबे समय तक बजरंग दल से जुड़ा रहना था।
आपको बता दें कि उनके खिलाफ चले केस में भी कुछ वीडियोस का इस्तेमाल किया गया था। हालांकि 2018 में गुजरात हाईकोर्ट ने उनकी सजा कम करके 21 साल कर दी गई। 2019 के बाद आंखों की रोशनी जाने की शिकायत करने के चलते बाबू बजरंगी जमानत पर रिहा है। साल 2017 में पाटीदार आंदोलन के दौरान हार्दिक पटेल ने उन्हें हिंदुत्व का असली नायक भी करार दिया था। तो 2002 में 27 फरवरी को, जो आज ही के दिन इतने साल पहले जो हिंसक घटना हुई थी, वो सिर्फ वहीं नहीं ठहरी थी, अगले काफी दिन तक ऐसी घटनाएं वहां पर होती रही। लेकिन ये दिन ऐसा है जिसे कोई भूल नहीं सकता। इतिहास में से काला दिन कहें तो गलत नहीं होगा। भारत टाइम में इतना ही, कल फिर लौटेंगे किसी और मुद्दे पर बात करेंगे। धन्यवाद।